पर्यावरण का, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, तो उसकी लाइफ है वो बहुत लंबी होती है, जिसको लागत खर्च बोलते हैं वो काफी कम हो गई है। तो अभी वर्तमान में उसको 2x2 फीट के और 2 फीट गहरे गड्ढे होना चाहिए। 1 एकड़ में 35 पौधे आएंगे। अधिक उम्र का वृक्ष है तो इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं लगती है। मार्च महीने में इसकी फसल शुरुआत हो जाएगी, वो 3 महीने चलेगी, मार्च अप्रैल मई तक। 15 से 20 kg किलो के आसपास एक पौधे में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। 50 से कभी 60 रुपए किलो भी बिक जाता है, और 3 नंबर जो छोटे फल है वो 30 रुपए किलो भी बिकते हैं। तो अच्छी फसल आई हुई है तो करीब 1.5 से 1.5 लाख रुपए तक इसमें मिल सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जिसको आप एक बार लगाओ और पूरी जिंदगी कमाओ, और इस खेती का नाम है चीकू फार्मिंग। अगर आप चीकू की खेती करते हैं तो एक बार अगर आप पौधा प्लांट करते हैं तो उसकी लाइफ है वो बहुत लंबी होती है, 50 से लेकर 70-80 साल तक वो सर्वाइव करता है। तो चीकू की खेती कैसे हो सकती है, इसका करने का तरीका क्या है, और इससे कमाई कितनी हो जाएगी, ये आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है मध्य प्रदेश का जिला बरवानी और गाँव है बोरलाई, और हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किसान है सुरेश मुकाती जी। उनसे जानेंगे कि चीकू की खेती कैसे होती है और इसको करने का सही तरीका क्या है, और चीकू की खेती के फायदे क्या हैं, तमाम चीज़ें जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। ये वीडियो में आप तरीके आपको बताऊं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। आपका चीकू का फार्म बहुत अच्छा है, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। मैं बोरलाए, बड़वानी जिले के बोरलाए गांव का कृषक हूं जी, और यहां सबसे पहले हमने जैविक खेती के रूप में जो बगीचों के अंदर जैविक खेती है उसमें हमने जैविक खेती शुरू की, और उससे इतना अच्छा फायदा मिलने लगा कि जिससे पर्यावरण का, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, और इनकम तो उससे अधिक हुई बगीचे में, और खर्च जिसको लागत खर्च बोलते हैं वो काफ़ी कम हो गई है। तो उसमें हमारा एक ये चीकू का बगीचा भी है जिसमें कि हम सब इसमें जैविक चीज़ें उपयोग करते हैं, और फसल भी अच्छी आती है, कीड़े कम बहुत ही कम लगते हैं, और फल का साइज भी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। सुरेश जी, हम बात करें चीकू की, तो चीकू को कितने पौधे लगते हैं 1 एकड़ में और कैसे लगाते हैं, इसको सबसे पहले बताएं कि आप ये खेती होती कैसे है। चीकू के पौधे लगाने के लिए पहले ज़मीन को अच्छी तरीके से प्लो और कल्टीवेटर करके तैयार करना चाहिए, जिससे कि उसके ज़मीन के जो कीड़े हैं वो गर्मी में सब समाप्त हो जाए। उसके बाद में उसमें गड्ढे करना चाहिए, गड्ढे आजकल तो मशीन से भी गड्ढे होने लग गए हैं, तो इसके गड्ढे 2x2 फीट के और 2 फीट गहरे गड्ढे होना चाहिए, और गड्ढे करने के बाद में उसमें जैविक के तरीकों के लिए उसमें नीम की खली का प्रयोग उसमें करना चाहिए। थोड़ी 2 किलो, एक पौधे का गड्ढा रहेगा उसमें 2 किलो नीम की खली डालेंगे, और उसके साथ में उसमें कंपोस्ट खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है वो थोड़ा, वो भी 5 किलो के आसपास उसमें डालेंगे, और FYM जो गोबर का खाद बनाते हैं उसको घन जीवामृत के रूप में बनाकर उसमें गड्ढे में डालेंगे। और जो गड्ढा जो है वो अभी 36x36 पे मैंने लगाया हुआ है, तो इसको 25x25 फीट पे भी लगाते हैं, परंतु अगर लंबे समय तक इसकी खेती और उपज लेना है तो इसके लिए 36 फीट एक तरफ की दूरी और दूसरे तरफ की 36 फीट पे, तो जैविक में ये काफ़ी 75 से 80 साल तक चलेगा। तो इसकी हम बात करें कि कितना पौधे लग जाएंगे अगर 36 की डिस्टेंस लेते हैं और 25 की लेते हैं तो इसमें जैसे 36 फीट की दूरी पे अगर लगाते हैं तो उसमें 1 एकड़ में 35 पौधे आएंगे, और अगर 25 फीट की दूरी पे लगाएंगे तो वो उसमें जो पौधे आएंगे वो 70 पौधे आएंगे जी। डबल हो जाते हैं, डबल हो जाएंगे वो 10 फीट से, मतलब उसका इतना फर्क पड़ जाएगा। हाँ, 10 फीट पे उतना फर्क पड़ जाएगा, एक पौधे का जो स्क्वायर फीट का एरिया है उसके कारण वो पौधों की संख्या बढ़ जाएगी उसमें। तो अभी जो किसान है वो दोनों में से कोई एक मॉडल चुन सकते हैं जी। तो चीकू की खेती की बात करें, इसको कितनी देखभाल की जरूरत पड़ती है, पानी और इसको कितना देना होता है, कितनी इस पे खाद और पेस्टर की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी के लिए जो है, अगर जब शुरू में अगर छोटा पौधा है
तो अभी वर्तमान में उसको ड्रिप से लगाना चाहिए, उसकी ड्रिप की दो लाइनें डाल देना चाहिए, उससे लगाना चाहिए। परंतु उसके बाद में अगर जब बड़ा पौधा हो जाता है, उसके पानी की क्षमता जब बढ़ जाती है, फल लगने लग जाते हैं, तो उसके शुरू में जो थाले बोलते हैं, डारे बनते हैं, वो बना देना चाहिए, तो उससे उसको पर्याप्त पानी मिल जाए। थाले बनाने के से दोनों फायदा होता है कि जब फल लगता है उस समय उसको थाले बना दो और थोड़ी गुड़ाई कर दो, तो उसकी नई जड़ें टूट जाती है, तो उससे फलों का साइज भी बढ़ जाता है और फल नीचे भी नहीं गिरेंगे और टेस्टी और स्वादिष्ट फल आएंगे उसके। और उसके बाद में जब इसको थाले बने तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी है, तो उसको थालों के द्वारा ही पानी देना चाहिए इसको। तो साल में कितने पानी की जरूरत पड़ती है इसको? ज्यादा पानी वाली फसल है या कम पानी वाली? नहीं, ये तो वैसे कम पानी की वृक्ष है, बड़ा और अधिक उम्र का वृक्ष है, तो इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं लगती है। जब इसको गर्मी में जब छोटे पौधे लगाएं, दोनों तरह प्रकार की बातें हैं, अगर जब छोटे पौधे लगाएं तो इसकी 6 साल में फसल आती है, तो जब तक अगर 6 साल तक का वो करे तो उसमें ड्रिप अगर लगी हुई है तो उसको 15 रोज में ड्रिप अगर चलाते हैं तो 2 से 3 घंटे अगर ड्रिप चलाएंगे तो भी वो उसका जीवन होके वो पौधा नई पत्तियाँ और स्प्राउटिंग अच्छा फूट जाएगा। नहीं, उसके बाद में अगर जब डारे बन जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका पानी देने का जो तरीका है वो भी सही रखना चाहिए, उससे जिससे कि अपनी फसल साल पर बरोबर आए। अगर अपन इसका स्टार्टिंग में करते हैं गर्मी में मई जून से, तो मई जून में इसको, जून के महीने में इसको जब बरसात हो तब एक पानी उस समय डारे में दे देना चाहिए। उसके बाद बरसात में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती 4 से 5 महीने। उसके पश्चात जब इसमें एक अगर कोई रोग वगैरह लगा है, मच्छर वगैरह, तो 10 पर्णी का स्प्रे करते हैं। 10 पर्णी का स्प्रे 10 प्रकार की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसमें कि आकाव है, नीम है, सीताफल है, निरगुड़ी है, बेसरम है, इस प्रकार की 8-10 प्रकार की, जिसको बैल बकरी नहीं खाती, उन पत्तियों से यह घोल बनाकर 200 लीटर पानी में शुरुआत में उसको 20 लीटर जो कंपोस्ट किया हुआ, डीकंपोस्ट करा हुआ जो घोल है उसको स्प्रे किया जाता है, और उससे पत्तियां नई भी फूटने लग जाएगी और उस पौधा हरा भरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्प्रे करने के बाद में नवंबर के महीने में इसकी एक बार गुड़ाई करके थाले बना देंगे, तो उसके 1 महीने के अंतराल से अगर पानी देते रहेंगे तो मार्च महीने में इसकी फसल शुरुआत हो जाएगी। वो 3 महीने चलेगी, मार्च अप्रैल मई तक, फिर मई के बाद में इसको पानी 1.5 महीने तक नहीं दिया जाता जी। तो ये बात हुई कि इसको देखभाल करके आपका पौधा जब बड़ा हो गया, 6 साल बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, तो बड़ा प्लांट कितने साल में हो जाता है, मतलब एक अच्छा प्रोडक्शन कब होने लग जाता है इसमें? इसका जैसे शुरुआत में 5वें साल तक इसमें 15 से 20 किलो के आसपास एक पौधे में उत्पादन प्राप्त हो जाता है, फिर इसके 6ठे साल में वो उत्पादन 50 किलो पे चल जाता है, पर 7वें और 8वें साल में अगर अपनी देखभाल अच्छी हुई है तो ये 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल तक, और अच्छा घना हो गया तो 2 क्विंटल तक ये फल दे देता है एक पेड़ पर 2 क्विंटल। तो इसका भाव क्या रहता है मार्केट में? इसका भाव गर्मी में ये फल चालू होता है, और अभी तो जैसे फलों के लिए ज़्यादा उपयोग हो गया, कोरोना भी आ गया था, तो उसमें इसका 40 से 45 रुपये किलो तक ही थोक से बिक जाता था और बगीचे से। और आम दिनों में इसका जो फल है वो अगर बहुत ज़्यादा फसल आई तो इसकी ग्रेडिंग करते हैं, 1, 2, 3 नंबर के ग्रेड करते हैं, तो 50 से कभी 60 रुपये किलो भी बिक जाता है, और 3 नंबर जो छोटे फल है वो 30 रुपये किलो भी बिकते हैं। तो ग्रेडिंग के हिसाब से भाव रहता है। तो 3 प्रकार की क्वालिटी बनती है, जो बड़े फल है वो अलग छाट के रखते हैं और उससे मीडियम क्वालिटी के फल अलग रखते हैं, और तीसरे नंबर पे जो छोटे फल रहते हैं वो अलग प्रकार रहते हैं, तो वो अच्छे भाव मिलते हैं। ये तो बात हो गई कि आप फल तैयार कर लिया आपने, तो आप इतने साल से खेती कर रहे हैं चीकू की, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है जी, तो अच्छे भाव लेने के लिए किसान क्या करे, क्योंकि किसान भाव में पिट जाता है।
सबसे पहली बात तो अच्छा भाव लेना है जी। तो हमको दूसरे के बारे में अगर अच्छा सोचेंगे जी। तो हमको भी अच्छा प्राप्त होगा। मेरा तात्पर्य वही है कि सभी किसान जैविक खेती अपनाए, जितना भी रसायन का कीटनाशक का प्रयोग कम से बिल्कुल नहीं करे। हम आज 10 साल से कर रहे हैं जैविक खेती, इसमें सब जीवामृत का उपयोग अलग करते हैं, फूलों से खाद अलग बनाते हैं और सभी प्रकार के खाद बना के जो जैविक आदान है वो देते हैं, तो लागत भी कम रहती है और लागत जब कम है तो अपनी जो फसल आती है उसकी बचत भी ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही आग्रह है, निवेदन है कि सभी मनुष्यों के बारे में सोचे और सब बीमारियां जैसे घातक बीमारियां, कैंसर, हृदय रोग और डायबिटीज सबको हो रही है, तो उनके बारे में सोचेंगे तो अपन को बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो ये कोई अगर नया किसान लगाना चाहे, कोई युवा किसान, कोई जो किसान है वो शुरुआत करना चाहे चीकू के प्लांट की जी, तो कितना खर्चा आ जाता है इसको लगाने में शुरू में? एक एकड़ के हिसाब से शुरू में क्या है कि ये जो बाग बगीचा लगाया है जी, इसमें जो है ये इसमें दो वेराइटियां रहती है, काली पत्ती और क्रिकेट वाल। तो ये जो बगीचा लगाया हुआ है ये काली पत्ती का है। तो काली पत्ती के जो पौधे हैं, शुरुआत में जो पौधे इसके ग्राफ्टिंग वाले पौधे लाना पड़ता है, गड्ढे खुदाई करना, नीम की खली और ये सब डालना पड़ता है, तो उसमें करीब 20,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आ जाता है जी हाँ। तो अगर 20,000 रुपये खर्च करके अगर किसान लगाता है और उसका जो कमाई की बात करें, 5-6 साल बाद जब आप बात करते हैं, बगीचा बड़ा हो गया, आपका तो बहुत बड़ा, कितने साल पुराना है ये? तो 32 साल पुराना बगीचा। तो 32 साल पुराना बगीचा अगर कोई 7-8 साल का बगीचा हो जाता है तो उसकी कितनी कमाई हो सकती है मैक्सिमम? उसमें तो उसकी अगर अच्छी फसल आई हुई है तो करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपये तक इसमें मिल सकता है। 20-25 हज़ार रुपये उसमें कटेंगे तो वो खर्चे में कट जाएंगे, तो करीब 1 लाख से तो ऊपर ही फसल आएगी और देख रेख और वो भी काफ़ी कम है। एक बार बाग लगाया है, आंधी हवा से भी बच जाएगा और फसल भी हर साल आती है, तो जो रिस्क जोखिम है वो बहुत कम है इसमें बाग। तो ये अच्छी खेती है जी, बहुत अच्छी खेती है। तो दोस्तों ये चीकू की खेती है जो सुरेश मुकाती जी ने अपने फार्म पर लगा रखी है, बहुत ज़बरदस्त इनका फार्म है चीकू का। तो सुरेश जी ये तो ऐसी खेती है कि आप एक बार लगाइए और अगली दो पीढ़ियां आपकी इससे अच्छा अर्निंग करेगी जी। जी चीकू बहुत अच्छी खेती है और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये सुरेश मुकाती जी थे जो बता रहे थे कि चीकू की फार्मिंग अगर हम करना शुरू करते हैं तो इसका बहुत अच्छा अर्निंग है। अगर इसको ज़्यादा प्राइस आपको चाहिए, अगर आपका एक प्लांट 2 क्विंटल का उत्पादन देता है, अगर आप इसको बड़े शहर तक लेकर जाते हैं या खुद बेचते हैं तो आपका प्राइस है वो डबल हो जाता है और आपकी कमाई है वो जो अभी 1.25 लाख 1.5 लाख तक होती है वो आपके 2-2.5 तक पहुंच सकती है, बशर्ते आप इसमें खुद मार्केटिंग करें बेहतर ढंग से, इसकी आप सही ढंग से बेचने का तरीका अपनाएं। तो चीकू की खेती आप शुरू कर सकते हैं और छोटे किसान भारत में जो 80 से 85% है, अगर वो पूरे खेत में चीकू नहीं लगाना चाहते तो खेत के चारों तरफ मेड़ पर लगा सकते हैं, तो आपका एक पेड़ है वो आपको 1 से लेकर 1.5-2 क्विंटल तक का उत्पादन देगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग इससे हो जाएगी। तो खेत की मेड़ पर आप लगा सकते हैं, खेत की चारों तरफ इसको लगाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो चीकू की खेती एक बहुत ही गुड आइडिया है और आप 1 एकड़ में 1 लाख से लेकर 1.5-2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, यह आपके तरीके पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही ज़बरदस्त किसानों से आपकी मुलाकात मैं करवाता रहूँगा फ्रीडम यात्रा के दौरान। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे हमारे जो किसान साथी हैं उन तक ये जानकारी पहुँचे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक चीज़ और करनी है आपको, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे खेती के तरीके मिलेंगे, सरकारी स्कीम्स का पता चलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।